हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबल फंक्शंस। तो बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है कि इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन सी इंटू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स ऑल आर डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं किसी पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, तो उनका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन डिफरेंशिएबल होगा और मल्टीप्लीकेशन विद कॉन्स्टेंट भी डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। ऐसा कंटिन्यूटी में भी हमने देखा था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पर तो उनका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सेम इज एप्लीकेबल टू डिफरेंशिएबिलिटी ऑल्सो कि अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन अगर मेरे डिफरेंशिएबल हैं तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो होगा उनका वो भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पॉइंट। डिवीजन में अपने को ध्यान ये रखना है कि जी ऑफ ए अपना जीरो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मेरा दिया हुआ फंक्शन किसकी तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे ध्यान देंगे, इफ एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, देन एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उनके बीच का एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या होगा, 100% नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की बात करें तो वहां चेक करने की जरूरत पड़ेगी, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ऐसा नहीं है कि एक जी ऑफ एक्स मेरा नॉन डिफरेंशिएबल दिया हुआ तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन में नॉट डिफरेंशिएबल आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वहां आपने चेक करना चाहिए कि दिया हुआ फंक्शन मेरा क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सेम गोज टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स ऑल्सो, कि यू नीड टू चेक वेदर इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। थर्ड पॉइंट है कि इफ एट एक्स इज इक्वल टू ए बोथ फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, पहले हमने देखा दोनों डिफरेंशिएबल है, दूसरी बार हमने देखा कि कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है और तीसरी बात में क्या है कि दोनों फंक्शन मेरे डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, दैट यू नीड टू चेक। ओके, एग्जाम्पल से समझेंगे अभी। जैसे कि मान लो ऐसा ले लिया मैंने एक पॉइंट, एक फंक्शन मैंने कहा कि आप ऐसे समझ लो, मैंने कहा एक फंक्शन, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हाँ एग्जांपल समझेंगे। मैंने कहा एक एग्जांपल ऐसा लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देख के मालूम पड़ रहा है काफी सारी बातें कर चुके हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी में, तो यहां से अपने को ये पता चल रहा है कि दिया हुआ फंक्शन एक्स क्यूब जो है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो कैसा है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर मैं सिग्नम एक्स की बात करूं तो सिग्नम एक्स कैसा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान देना डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो 100% क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां तक की बात हमने कर ली कि भाई ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इनका, जैसे मैंने कहा कि अब हम क्या देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स क्यूब इंटू सिग्नम ऑफ एक्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सिग्नम ऑफ एक्स है, अगर आप सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ अगर ध्यान में है आपको तो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा होगा। मैंने कहा ये आया एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, अगर मैं सिग्नम ऑफ एक्स की बात करूं तो ऐसे कुछ बनेगा, दो वैल्यूज के बीच में ट्रांजिट होता है, ये हो गया ट्रांजिशन इसका जो होगा प्लस वन और माइनस वन के बीच में होगा, ये मेरा किसका ग्राफ है, सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ है ना। तो मैंने कहा देखो इस फंक्शन को ऐसे स्प्लिट करेंगे अपन, ऐसे स्प्लिट करो आप, कैसे स्प्लिट करोगे, मैंने कहा कि व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो ये कैसा हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू माइनस वन, सिग्नम ऑफ एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या है मेरा, माइनस वन है, अगर मेरा एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो सिग्नम ऑफ एक्स मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करता हूं तो मैंने कहा कि ग्रेटर देन जीरो के लिए कैसा रहेगा, सिग्नम मेरा वन रहेगा। तो मेरा अब जो फंक्शन बन गया
एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जो मेरा फाइनल आ रहा है वो कैसा बन रहा है? वो कुछ ऐसा बन रहा है माइनस ऑफ एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। यहां से देख के मालूम पड़ रहा होगा आपको, देख के मालूम पड़ रहा होगा आपको कि ये जो दिया हुआ ग्राफ, दिया हुआ जो फंक्शन है, मल्टीप्लीकेशन जो है इनका, ये कैसा आ रहा है? अब डिफरेंसिएबल आ रहा है, डिफरेंसिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स क्यूब का ग्राफ आपको मालूम है, आप ये ड्रॉ कर सकते हो निगेटिव हाफ के लिए और पॉजिटिव हाफ के लिए। तो देखना बस ये इस एग्जाम्पल का बस यही पर्पज था कि एक फंक्शन मेरा दिया हुआ कैसा है, डिफरेंशिएबल है, दूसरा कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है ना। तो ऐसा हो सकता है, आपको चेक करना चाहिए, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी वाली बात है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो कुछ नोट लिखे हैं, नोट क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन इज क्लोज इंटरवल कैपिटल ए टू कैपिटल बी। अच्छा देखो, मैंने कहा कि देखो ऐसी कुछ बात है कि एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है, एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन है वो मेरा कितना है, ए टू बी है, लेकिन इसका जो रेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्लोज इंटरवल ए टू बी आ रहा है। अब ये जो इसका रेंज जो है वो किसका इनपुट बन गया, जी ऑफ एक्स का इनपुट बन गया है ना, ये रेंज जो है ये किसका इनपुट बन गया, जी ऑफ एक्स का इनपुट बन गया। देखो यहाँ देखो, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी ओपन इंटरवल, रेंज इज क्लोज इंटरवल कैपिटल ए टू कैपिटल बी एंड जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन कैपिटल क्लोज इंटरवल कैपिटल ए टू कैपिटल बी है ना। अब ऐसा कहा हो गया है कि जी ऑफ एक्स जो है मेरा डिफरेंशिएबल है इन इंटरवल क्लोज इंटरवल कैपिटल ए टू कैपिटल बी, देन कंपोजिशन ऑफ दैट जी ओ एफ इज डिफरेंशिएबल इन ए टू बी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऐसा कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बोथ आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देन जी ऑफ एफ इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका कंपोजिशन भी क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। थर्ड पॉइंट ऐसा कहा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पी वेयर पी इज ग्रेटर देन वन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। इसका एक एग्जाम्पल यही देख लो आप, इसका एक एग्जाम्पल यही देख लो आप। मैंने कहा कि ऐसा मान लो कि एक एग्जाम्पल देखेंगे अपन कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लिया मैंने, है ना। तो इसका जो मैंने कहा कि अब इसकी मैं कोई भी पावर लगा लेता हूँ, टू लगा लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये भी कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी कैसा आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि ऐसा कहा हुआ है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, मैंने कहा एक एग्जाम्पल लिया, देखेंगे। एक एग्जाम्पल ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉस एक्स। आपसे कहा गया है कि चेक डिफरेंसिबिलिटी, चेक डिफरेंसिबिलिटी। मैंने कहा देखो सॉल्व करेंगे, है ना, मैंने कहा देखो न्यूमरेटर जो है इसका सॉल्व करेंगे, मैंने कहा न्यूमरेटर जो है इसका, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, न्यूमरेटर जो है इसका वो क्या है, एक्स क्यूब है, दिस इज डिफरेंसिएबल, है ना। मैं लिखूंगा इसको कि दिस इज डिफरेंसिएबल एवरीवेयर, एक्स क्यूब का ग्राफ आपको याद होगा, डिफरेंसिएबल एवरीवेयर, होपफुली कि आपको नोन है एक्स क्यूब का ग्राफ। अच्छा, अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो अब देखो डिनोमिनेटर क्या है मेरा, साइन ऑफ कॉस एक्स है। मैंने कहा इस बात को ऐसे समझेंगे कि मान लो कि मैंने कहा कि लेट यू इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। अब ये कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन यू, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो अब यहां से देखो कि cos x मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, cos x मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल, लिखेंगे यहां cos x मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल, देखिएगा cos x इज वो डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ठीक है। अगर मैं साइन, अब देखो अगर cos x मेरा डिफरेंशिएबल है और ये भी मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, sin x भी मेरा क्या है, sin u भी मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल
एवरीवेयर। तो अभी अभी हमने नोट टू देखा था कि अगर दो फंक्शन मेरे डिफरेंशिएबल हर जगह हैं, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर हैं, तो इनका जो कंपोजिशन जो आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी डिफरेंशिएबल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो कंपोजिशन आएगा, इसका मतलब क्या, कंपोजिशन विल बी साइन ऑफ कॉस एक्स, अगर मैं लिखता हूं दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। होपफुली ठीक है यहां तक। लेकिन देखो ध्यान देना, अब मैं किसकी बात करूंगा, एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करनी है मुझे। मैंने कहा कि देखो न्यूमरेटर हर जगह डिफरेंशिएबल आ गया, और डिनोमिनेटर भी क्या आ रहा है, हर जगह डिफरेंशिएबल आ रहा है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि जैसे देखो, समझना कि मैंने कहा क्वेश्चन ऐसा है अपना कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई साइन कॉस एक्स, ऐसा लिखा हुआ, साइन ऑफ कॉस एक्स ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा ये भी डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल, लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी जीरो भी नहीं, जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो गया, ये पॉइंट तो डोमेन में ही नहीं है, नेवर बी जीरो। तो इन पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे, बाकी फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल रहेगा। तो मैंने कहा कि देखो ये कौन से पॉइंट्स आएंगे जहां मेरा ये जीरो हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जहां मेरा कॉस एक्स जीरो हो गया, वहीं तो ये मेरा जीरो हो रहा होगा, साइन जीरो ही तो जीरो आएगा। मैंने कहा कॉस एक्स जीरो कब होगा, कॉस एक्स जीरो होगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के ऊपर जीरो हो जाएगा मेरा। तो मैंने कहा ऐसे, अब ऐसे फाइनल आंसर लिखेंगे अपन। देखो कमेंट करने के लिए अपने को कहा गया था, तो अब ऐसे कमेंट करेंगे इसके ऊपर, चेक करने को कहा गया था। तो अपन ऐसे लिखेंगे इसको कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाई टू, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बस यही आएगी बात, है ना, क्लियर होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। बाकी आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एवरीवेयर क्या है, डिफरेंशिएबल है। अभी आपने देखा कि अगर एक फंक्शन कॉस एक्स डिफरेंशिएबल है और साइन यू डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का कंपोजिशन भी क्या आएगा, डिफरेंशिएबल आएगा। अगर दोनों डिफरेंशिएबल है तो सिर्फ किन पॉइंट्स को आप रिमूव करोगे, वैसे पॉइंट्स को आप रिमूव करोगे जहां आपका क्या हो रहा होगा, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होगा। इसका मतलब क्या, एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशंस, है ना। अच्छा देखो एक और बात मुझे याद आ गई, एक और बात अपन नोट करेंगे, नोट में लिखेंगे कि जैसे कि ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना, एक और बात नोट करेंगे, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो यूजफुल होंगी आपको एग्जाम में। जैसे मैंने कहा कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, जो कि डिफरेंशिएबल है, जो कि डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसको नोट में ही लिख लेना, है ना। मैंने कहा एक एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, है ना। ये भी एक नोट कर लेना, नोट पॉइंट में ही लिख लेना कि एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है ए पॉइंट पे, किसी पॉइंट ए पर, तो एफ ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स भी क्या होगा, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल इक्वेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन। एफ बी एन इवन नंबर, इवन फंक्शन एंड एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट, देन फाइंड एफ डैश ऑफ जीरो। ओके, फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि वैसे इक्वेशन जिनमें क्या हो, फंक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो अब देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कह रखा है कि एफ क्या है मेरा, कोई इवन फंक्शन है। तो मैंने कहा गिवन, गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या है मेरा इवन फंक्शन के लिए। अच्छा अब देखो फंक्शनल इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी में फंक्शनल इक्वेशन का क्या यूज है। देखो अब देखो क्वेश्चन समझना कि ऐसा लिखा हुआ कि एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट, तो जहां डेरिवेटिव की बात आ गई वहां क्या आ गया, डिफरेंशिएबिलिटी आ गया। अब देखो यहां क्या लिख रखा है, एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट। अगर एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी हो रहा होगा।
यही तो बात हो रही होगी ना। तो मैंने कहा कि एलएसडी को आप कैसे डिफाइन करते हो, किस पॉइंट पे डिफाइन करोगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफाइन करोगे। क्यों, मुझे क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ जीरो लिखा हुआ ना कि एफ डैश ऑफ जीरो एग्जिस्ट करता है। तो मैंने कहा कि ये कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो एलएसडी को आप ऐसे लिखोगे, एंड आरएसडी आप कैसे लिखोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, ऐसी कुछ बात हो गई। अच्छा अब और आगे देखेंगे। मैंने कहा इस बात को और आप ऐसे लिखो, सिंप्लीफाई करेंगे हम, कि एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, है ना। अब देखो अगर ये इवन फंक्शन है, अगर ये इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एच को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एच लिख सकते हो। अगर ये इवन फंक्शन है तो मैंने कहा भाई इसको ऐसे लिखेंगे अपन, एफ ऑफ माइनस एच को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एच से। तो मैंने कहा देखो अब एफ ऑफ एच ऐसा हो गया माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, ऐसा कर लोगे आप। मैंने कहा और देखो आप क्या कर सकते हो, दोनों को एक तरफ लेके आ जाओ, दोनों को अगर एक तरफ आप लेके आते हो तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू जीरो, ऐसी कुछ बात आ जाएगी। अब देखो आप क्या करोगे। अच्छा मैंने कहा इस बात को आप और कैसे लिखोगे, आप लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तो आपका जाना पहचाना इक्वेशन है। इस पूरी बात को आप क्या लिख सकते हो, ये जो पूरी बात है इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ डैश ऑफ जीरो लिख सकते हो आप। तो इसको एफ डैश ऑफ जीरो लिखेंगे, अगर इसको एफ डैश ऑफ जीरो लिख रहे हैं तो देखो ये ऐसा हो जाए, इस टू का तो कोई मतलब नहीं, इधर लेके चले आओ डिनोमिनेटर साइड में तो जीरो हो जाएगा टू। अच्छा अब इस बात को आप ऐसे लिखो कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा लिखो आप, अच्छा इसकी तो अब जरूरत ही नहीं, इसको डायरेक्ट लिखूंगा मैं, एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। और यही तो कैलकुलेट करना था, यही तो कैलकुलेट करना था कि मुझे बताओ कि एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी। तो एफ डैश ऑफ जीरो की क्या वैल्यू आ रही है, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू आ रही है जीरो। दिस इज योर फाइनल आंसर। बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। लेट्स कम टू सेकंड क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर टू, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है देखो फंक्शनल इक्वेशन का मतलब यही है। देखो फंक्शंस में इक्वेशन बना हुआ है ना, फंक्शन में इक्वेशन बना हुआ है, तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने अभी बताया कि देखो ये क्वेश्चन डिफरेंसिबिलिटी का कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स कैसा है मेरा, डिफरेंसिएबल है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है डिफरेंसिएबल की, डिफरेंसिबिलिटी की, और थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उससे कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा क्या करना है। इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप ये, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी देखेंगे क्या है गिवन अपना। गिवन है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैंने मेरे हिसाब से क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने कहा कि लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो। अब आप कहोगे कि सर आपने जीरो क्यों ले लिया, ये हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा बेटा। अब ये समझना पड़ेगा अपने को कहाँ जीरो लेना है, कहीं वन लेना होगा, कहीं टू लेना होगा, या कहीं वाई इज इक्वल टू एक्स लेना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आप समझोगे कहाँ क्या लेना है, ये प्रैक्टिस से आएगा, कोई इसके लिए कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो मैंने कहा देखो वैसे आप प्रेफर कर सकते हो ऐसा कि जहां मल्टीप्लीकेशन साइन रहे। देखो ध्यान देना, देखो कि एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो है ना, ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जीरो इज एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर, ऐसे कुछ आ गया। अच्छा अब इसको एक तरफ लेके आओ, एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस बात को आप ऐसे लिख लो, एफ ऑफ जीरो आपने कॉमन निकाल लिया तो ये कुछ ऐसा रह जाएगा विच इज इक्वल टू जीरो।
अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो और f ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, दो बातें होंगी है ना। तो इसको अलग अलग एनालाइज करेंगे। मैंने कहा देखो इसमें दो केसेस बनाते हैं आपको, ऐसा व्हेन f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो और एक दूसरा भी कंडीशन बनेगा व्हेन f ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। यहां तक की बात ठीक होनी चाहिए, यहां तक की बात ठीक होनी चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे f ऑफ x फाइंड आउट करना है। मुझे क्या करना है, f ऑफ x फाइंड आउट करना है। एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और ये बताया हुआ कि f ऑफ x क्या है, मेरा डिफरेंशिएबल है ना। अगर डिफरेंशिएबल है मेरा f ऑफ x, तो f डैश ऑफ x को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे आप h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। RSD लेके चल रहा हूं मैं, RSD थोड़ा सॉल्व करना आसान जाएगा, दिखता अच्छा है ना, नेगेटिव साइन नहीं नीचे दिखाई दे रहा, तो मैंने कहा थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना, नेगेटिव साइन से बचेंगे अपन। अच्छा इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका क्या है, ये आपने RSD लिखा है ना, ये आपने क्या लिखा है, RSD लिखा है। ठीक है आगे बढ़ेंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अच्छा अब x प्लस h दिया हुआ है, x प्लस h को अगर मैं ऐसे लिखूं f ऑफ x इंटू f ऑफ h माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, लिख सकता हूं ऐसा, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में क्या गिवन है, f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, बस इसी बात का यूज कर लिया है यहाँ। अब देखो और आगे बढ़ेंगे, अगर और आगे बढ़ते हैं तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x को आपने बाहर छोड़ दिया, ये कितना रह जाएगा f ऑफ h माइनस वन डिवाइडेड बाई h, ऐसे कुछ बात बनेगी। अच्छा अब देखो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ h माइनस वन डिवाइडेड बाई h, यहां तक की बात होगी, यहां तक की बात होगी, देखो यहां तक तो आ गया। अब देखो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे कहीं ना कहीं से f ऑफ x की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अच्छा अब देखो f ऑफ x की वैल्यू कहां से फाइंड आउट कर रहा हूं, ओके फॉर इंस्टेंस इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने कहा कि f ऑफ x मैं कहीं से फाइंड आउट करना चाहता हूं, अगर मुझे इसकी वैल्यू अगर कहीं से निकल आती है तो मुझे f डैश ऑफ x मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो ना। देखो f ऑफ जीरो आ जाएगा, ये f ऑफ जीरो माइनस वन डिवाइडेड बाई जीरो, इनफाइनाइट के जैसा दिख रहा है ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश x कुछ ना कुछ आ रहा होगा, तो मैंने कहा इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। गिवन क्या है अपना कि f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, और हमने क्या एज्यूम किया हुआ है कि f ऑफ जीरो मेरा क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। अब अगर मुझे f ऑफ x की वैल्यू चाहिए यहां से, तो मैं क्या करता हूं कि लेट y इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ सोच लेंगे हम। अगर हमने ऐसा सोचा तो ये कुछ बात ऐसे बन रही होगी f ऑफ x इंटू f ऑफ जीरो, अच्छा f ऑफ जीरो हमने क्या ले रखा है, जीरो ले रखा है, तो f ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि f ऑफ x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अगर f ऑफ x की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो ये जो पूरा जो f डैश ऑफ x है ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां तक की बात ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू जीरो व्हेन f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये एक तरफ की बात हो गई। अच्छा दूसरी क्या वैल्यू हमने निकाली है f ऑफ जीरो की, दो पॉसिबिलिटी है ना कि f ऑफ जीरो जीरो भी हो सकता है, और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि व्हेन f ऑफ जीरो इज वन। ठीक है अब देखो f डैश ऑफ x लिखेंगे हम लोग, f डैश ऑफ x अगर हमने लिखा तो h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस h सॉरी माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, कुछ ऐसी बात आएगी। ओके आगे कैलकुलेट करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसको कैसे लिखोगे आप, f ऑफ x इंटू f ऑफ h इंटू f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x आपने कॉमन निकाल लिया,
एफ ऑफ एच माइनस वन बाई एच, ऐसी कुछ बात रह गई। अच्छा अब देखो यहां से समझना कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स को अपनी जगह छोड़ दिया, इस बात को आप ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ जीरो माइनस सॉरी एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच माइनस जीरो। क्यों ऐसा लिखा मैंने कि सिंस एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, है ना, पहले से ले रखा है हमने कि एफ ऑफ जीरो क्या है अपना वन है। इसी बात को और आगे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू इसको कैसा लिख देना है एफ डैश ऑफ एच, है ना, डिफरेंसिबिलिटी का फॉर्मूला ही। तो ये हमने कैलकुलेट भी करा हुआ है पहले से, ये मालूम है कहां से आ रहा होगा। तो यहां हमने इस बात को कितना लिख सकते दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एच। अच्छा अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ एक्स तो कॉन्स्टेंट है तो एफ ऑफ एक्स को उठाया और इधर लेके चले आए, है ना, वेरिएबल क्या दिख रहा है यहां सिर्फ एच है ना, तो बाकी सारी बातें क्या है कॉन्स्टेंट के जैसे बिहेव करेंगी। तो दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ जीरो। अच्छा अब देखो और क्या रह गया, अब कुछ फाइनल बात जो आ गई अपनी सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे आ गई, ऐसे ये बात आ गई सामने। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा इंटरेस्ट किसमें है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स मुझे कैलकुलेट करना है, और यहाँ क्या आ रहा है डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है और नीचे क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ इंटीग्रेशन होपफुली थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, तो मैंने कहा यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, है ना, अब क्या करेंगे दोनों तरफ क्या कर रहा हूं इंटीग्रेट कर रहा हूं कि एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ जीरो इंटू डी ऑफ एक्स, ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां तक। अच्छा देखो नीचे वाले एफ ऑफ एक्स का, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो दिस यू कैन राइट, इसको आप कितना लिख सकते हो डायरेक्टली, देखिए इसको आप डायरेक्टली कितना लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे कि log f of x नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ऐसा लगा है f dash of जीरो तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये कितना रह जाएगा x plus c, ऐसी कुछ बात बन जाएगी। ओके ये इसको ऐसे लिखेंगे अपन एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने कहा कि एफ डस ऑफ जीरो कोई ना कोई वैल्यू होगा, मैंने कहा कि के इज एनी रियल नंबर, है ना, के कोई मैंने ले लिया एनी रियल नंबर, अब ये किसके इक्वल है एफ डस ऑफ जीरो के इक्वल है ना। आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा आगे सॉल्व करेंगे, इसी बात को आप ऐसे लिखोगे, अच्छा अभी लॉग हटा रहा हूं मैं, है ना, या एक स्टेप ले लो, लॉग मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, इस बात को आप ऐसे लिखोगे मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू के एक्स प्लस सी, है ना, एंटी लॉग वाली प्रॉपर्टी से लॉग एक्सपोनेंशियल कहाँ चला गया, राइट हैंड साइड को चला गया, इस बात को आप ऐसे लिखोगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू के एक्स इंटू ई रेज टू सी। अच्छा मॉड हटाया मैंने, अगर मॉड हटाया तो यहाँ क्या साइन आ जाएगा, प्लस माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है यहां तक की बात। अच्छा अब मैंने क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, पहले एज्यूम क्या कर रखा है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, अब मेरा काम क्या रह गया, मुझे क्या कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए, एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या हटाना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो आप लिख के आ रहे हो, ये जो आप लिख के आ रहे हो इसको हटाना पड़ेगा, है ना, इसकी जगह जीरो पुट कर देंगे तो ये आ गया जीरो, ये आया प्लस माइनस ई रेज टू जीरो हो जाएगा और ये रह गया ई रेज टू सी। अब इसकी वैल्यू कितनी है, वन है, तो प्लस माइनस ई रेज टू जीरो ई रेज टू सी, ई रेज टू जीरो इज वन, तो ई रेज टू सी की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वन आ रही है, ई रेज टू सी की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। अच्छा अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो हो गया वो ऐसा हो गया कि एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है आपका ई रेज टू के एक्स आ रहा है, यही कैलकुलेट करना है, यही क्या करना है, यही कैलकुलेट करना था आपको,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताइए। एफ ऑफ एक्स मेरा यहां से कितना आ रहा है, ई रेज टू एक्स आ रहा है ना। अच्छा अब देखना एक और बात समझना, यहाँ मुझे पूरे अब देखना ध्यान देना। क्वेश्चन में मुझसे ऐसा कहा गया था कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मैंने फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ रहा है, ई रेज टू के एक्स आ रहा है। अच्छा देखो एक फंक्शन तो इस वाले कंडीशन से आ गया आपका, एक फंक्शन की वैल्यू जो आपने निकाली वो किस कंडीशन से निकाली, इस वाले कंडीशन से निकाली, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। अब दूसरे वाले कंडीशन से व्हेन एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका मतलब फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर दो वैल्यूज की बात करता हूं, देखिएगा ऐसे लिखूंगा कि फर्स्ट कंडीशन में व्हेन इफ इफ जीरो इज, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, एनीवेज अभी देख लेंगे कि इफ डैश ऑफ एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया था, कि मैंने कहा इफ इफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लोगे एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और इधर भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेट लगाओगे। तो ये तो कम्प्लीटली जीरो आने वाला है। इसका मतलब क्या कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या कि आंसर जो आएगा आपका, इसका मतलब आंसर जो आएगा, फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही है, ई रेज टू के एक्स एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर फाइनल आंसर। वो फुली क्लियर होगा। फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने में बस यही ध्यान रखना है कि आप कैसे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, कहीं आपको जीरो पुट करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं आपको वन पुट करने की जरूरत पड़ेगी, कहीं आपको माइनस वन पुट करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स को वन वाई को माइनस वन पुट करने की जरूरत पड़ जाए। इसके लिए कोई, मैंने पहले बता रखा है कि इसके लिए कोई ऐसा कोई परफेक्ट मेथड नहीं है कि यू कैन फॉलो दैट स्टेप बाय स्टेप टू गेट आंसर, है ना। लॉजिकली आपको सोचना है और सॉल्व करके आंसर लेके आना है। जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो रख लिया। कहीं कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा जहां कुछ और वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब अगर फंक्शन, पहले तो आप वैल्यू निकालो, कोई ना कोई वैल्यू पुट कर लिया आपने। एफ ऑफ एक्स मेरा यहाँ से कितना आ रहा है, ई रेज टू एक्स आ रहा है ना। अच्छा अब देखना एक और बात समझना, यहाँ मुझे पूरे अब देखना ध्यान देना। क्वेश्चन में मुझसे ऐसा कहा गया था कि फाइंड एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स मैंने फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ रहा है, ई रेज टू के एक्स आ रहा है। अच्छा देखो एक फंक्शन तो इस वाले कंडीशन से आ गया आपका, एक फंक्शन की वैल्यू जो आपने निकाली वो किस कंडीशन से निकाली, इस वाले कंडीशन से निकाली, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। अब दूसरे वाले कंडीशन से व्हेन एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका मतलब फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर दो वैल्यूज की बात करता हूं, देखिएगा ऐसे लिखूंगा कि फर्स्ट कंडीशन में व्हेन इफ इफ जीरो इज, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, एनीवेज अभी देख लेंगे कि इफ डैश ऑफ एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया था, कि मैंने कहा इफ इफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, इफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लोगे एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, और इधर भी आप क्या करोगे, इंटीग्रेट लगाओगे। तो ये तो कम्प्लीटली जीरो आने वाला है। इसका मतलब क्या कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या कि आंसर जो आएगा आपका, इसका मतलब आंसर जो आएगा, फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही है, ई रेज टू के एक्स एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर फाइनल आंसर। देखना कुछ बच्चों ने ऐसा भी सोचा होगा कि यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं आया, तो मैंने कहा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा होगा सी, लेकिन जैसे ही आप एक्स, यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी बच गया यहाँ पे, जैसे आप एक्स को जीरो पुट करोगे, एफ ऑफ जीरो मेरा क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है, तो जैसे आप जीरो पुट करोगे तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी आ जाएगा, जबकि इसकी एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो अल्टीमेटली आपका क्या एफ ऑफ एक्स जीरो ही आ रहा होगा। होपफुली क्लियर होगा ये क्वेश्चन पूरा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर थ्री। If such that 0 to infinity to R satisfies if x by y is equal to f of x minus f of y, okay, f of x is differentiable and 0 to infinity limit दे रखा है is equal to 3, find f of x, okay, देखना ध्यान देना, solve करेंगे, f of x find out करना है,
तो मैंने कहा दिया हुआ क्या है, एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। अच्छा देखना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था और अभी भी देखो, यहाँ वाइजली आपको एक्स और वाई की वैल्यू को सिलेक्ट करना है जो आपको आगे एफ ऑफ एक्स निकालने में हेल्पफुल हो। तो मैंने कहा देखो, अगर एक्स की वैल्यू को अगर आप जीरो पुट करते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जीरो बाई जीरो कैसा हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, तो एक्स और वाई दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो मैंने कहा देखो, इसको ऐसे लिखते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू वन, दैट यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सी वैल्यूज लेंगे। तो देखो यहाँ हमने क्या कर लिया, वाई को वन ले लिया और एक्स को वन ले लिया, तो ये कितना बन जाएगा, वन बाई वन एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा कि एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ये काम की बात हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे सॉल्व करने के टाइम। अच्छा अब देखो और क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, मेरा डिफरेंसिएबल है। अच्छा अगर एफ ऑफ एक्स मेरा डिफरेंसिएबल है तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ऐसा लिखेंगे। अगर डिफरेंसिएबल है तो ये बात हो रही होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, आगे देखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स मेरा अब कितना रह जाएगा, एच टेंडिंग टू जीरो। अच्छा ओके, अब देखो इस बात को अगर मैं ऐसे लिखूं, एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एच, सॉरी डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई एच लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई को मैंने कितना लिख दिया, एफ ऑफ एक्स बाई वाई लिख दिया। यहां तक की बात ठीक होनी चाहिए। अब और आगे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसा लिखा कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच, अलग अलग करके लिख लिया, लिख सकते हैं ऐसा भी। और आगे बढ़ेंगे, ऐसा लिखेंगे कि एफ डैस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए और आगे बढ़ेंगे कि एफ डैस ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच बाई एक्स इंटू एक्स, ऐसा लिखा। ये मैं कहां से दिमाग लगा रहा हूं, ये मैं यहां से दिमाग लगा रहा हूं कि दिया हुआ क्वेश्चन एक और कंडीशन दे रखी है, एक और कंडीशन ना दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री। लिमिट पे एक्स टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट की वैल्यू दे रखी है, तो मैंने कहा एक्स टेंडिंग टू जीरो तो यहां भी दिख रहा है, एच टेंडिंग टू जीरो यहां भी दिख रहा है, एफ ऑफ वन प्लस एक्स दिख रहा है यहां, तो मैंने कहा एक्स बनाओ इसको डिनोमिनेटर को, तो एक्स बना लिया इसको। एक्स कैसे, एक्स की जगह क्या लिखा था, एच बाई एक्स लिखा था, तो यहां भी क्या इंट्रोड्यूस कर लिया, एच बाई एक्स इंट्रोड्यूस कर लिया, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर लिया। अच्छा एफ डैस ऑफ एक्स को अब आप कितना लिख सकते हो कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन बाई एक्स को सेट असाइड, ये ऐसा है एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच बाई एक्स। अब इसको आप ऐसे लिखो एफ डैस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स कॉन्स्टेंट है, इसको पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स डिवाइडेड बाई एच बाई एक्स, तो एफ डैस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स इंटू, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, थ्री लिखोगे, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से देखो एफ डैस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री बाई एक्स, यहां तक बात ठीक है। अच्छा देखो अब अगर एफ डैस ऑफ एक्स मेरा आ गया, एफ डैस ऑफ एक्स से मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, इंटीग्रेशन यूज करना चाहिए। तो लिखेंगे यहां इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, तो जैसे आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे ये कैसा हो जाएगा, एफ डैस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई एक्स डी एक्स, ऐसी कुछ बात बनेगी। और आगे बढ़ेंगे, अच्छा अब डेरिवेटिव है, आप इंटीग्रेट करोगे बाहर क्या आ जाएगा, एफ डैस ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इसको आप कितना लिखोगे, थ्री लॉग एक्स लिखोगे और प्लस सी, वन बाई एक्स क्या है, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स आएगा, प्लस सी आ गया। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए तो मुझे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये जो सबसे पहले आपने वैल्यू निकाली है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, तो आप इसको यूज करो यहाँ, तो जैसे आप एफ ऑफ वन यूज करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा इज इक्वल टू सी,
यहां से आप क्या कर रहे हो, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लॉग वन जीरो, सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी की वैल्यू आ गई एफ ऑफ वन विच इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। एक बार कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ गई तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया, यहां से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री लॉग एक्स, यही आपका आंसर होगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना था, क्लियर होगा, आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर, अ डिफरेंशियल डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन इज इक्वल टू वाई माइनस टू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, देन फाइंड एफ ऑफ एक्स, सारे क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स ही फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एफ ऑफ एक्स टू टाइम्स एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस टू, ऐसा कुछ दे रखा है। अच्छा आप देखो, मैंने कहा भाई इसको सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर लो कि x इज इक्वल टू जीरो पुट करो और y इज इक्वल टू जीरो पुट करो, इससे मुझे क्या होगा, एफ ऑफ जीरो की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी, जिसका हम बाद में यूज करेंगे किसमें, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने में। अब थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको, तो यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो माइनस टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो माइनस टू एफ ऑफ जीरो, और ये कितना हो जाएगा, माइनस टू। अच्छा आप देखो कितने हो गए, ये एफ ऑफ जीरो, ये एफ ऑफ जीरो, टू एफ ऑफ जीरो माइनस टू एफ ऑफ जीरो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहां से इतना बच जाएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, इसका हम यूज करेंगे किसमें, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने में, है ना, आगे बढ़ेंगे। अच्छा अब देखो, मैंने कहा लेट y इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएबल दे रखा है ना फंक्शन, तो मुझे कैसा चाहिए, एल एस डी वाला और आर एस डी वाला फॉर्मेट चाहिए। अब अगर मैं y को h पुट कर देता हूं तो मेरा इक्वेशन कैसा बन रहा होगा, x प्लस एच माइनस टू एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू एफ ऑफ एच एच माइनस टू, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं मैं क्योंकि एल एस डी आर एस डी के फॉर्मेट में आएगा, एक्स प्लस एच एक्स माइनस एच अगर मुझे दिख रहा है कहीं, तो इसको आगे मैं जाके क्या करूंगा क्वेश्चन में, एल एस डी और आर एस डी बनाने की कोशिश करूंगा। अच्छा देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखा हुआ है, अगर कहीं से मुझे एफ ऑफ एक्स मुझे मिल जाए तो मेरा काम बनेगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, आर एस डी के जैसा लिखूंगा, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स लिखते चला जाऊंगा। अच्छा अगर मैंने यहां माइनस किया है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स किया है, तो देखो ये मैंने माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स खुद से ऐड किया है, तो ये सिंगल था तो इसको कितना कर दिया मैंने, टू टाइम्स कर दिया, बात वही है, टू टाइम्स एफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ एच माइनस था इधर, ये प्लस आ गया, इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो इसका फायदा ये होगा, इसका फायदा ये होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको एक टर्म बनाओ, है ना, अगली बार मैं क्या करूंगा, इस एच को उठा के इधर लेकर आऊंगा, डिनोमिनेटर साइड में लेकर आऊंगा, और हर जगह क्या करूंगा, डेरिवेटिव लिखते चला जाऊंगा। मुझे क्या करना है अल्टीमेटली, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, डिफरेंसिबिलिटी है, फंक्शन डिफरेंसिएबल दिया हुआ, तो एफ डैश ऑफ एक्स में एक इक्वेशन बनेगी, उससे आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करके एफ ऑफ एक्स निकालोगे, ये रहा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो बस मेरा एफ ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। अब यहां से आपने क्या कर लिया, माइनस टू कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, यहां से आप टू कॉमन निकाल लो माइनस टू, तो ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ एच माइनस टू है ना, तो ये वन हो गया इज इक्वल टू एच, ऐसी कुछ बात बनेगी, है ना। अब देखो तीन पेयर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मुझे, अगली बार मुझे क्या करना चाहिए, एच से डिवाइड कर देना चाहिए। अच्छा अब देखो समझना, अभी और एक काम करेंगे, चलो एच से डिवाइड कर लेते हैं, एच से डिवाइड कर लिया तो ये ऐसा आएगा, देखिएगा एच से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान देना, एच से डिवाइड कर रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच माइनस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच माइनस ऑफ टू एफ ऑफ एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू वन,
इस एच को उठा के नीचे ले आओ या दोनों तरफ एच से डिवाइड कर दो, बात वही है। अच्छा अब देखो इसको तो आप कितना लिख दोगे, ये वाली बात जो है इसको आप डायरेक्टली कितना लिखोगे। अच्छा अब क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ लिमिट लगा लेता हूँ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। इधर भी मैंने क्या कर लिया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो वन लगा सकता हूँ दोनों तरफ लिमिट। लिमिट लगाने से ये होगा कि आप इसको डायरेक्टली क्या लिखोगे, एफ डैश ऑफ एक्स लिखोगे। अच्छा अब देखो इसको आप एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हो, कब लिख सकते हो, बशर्ते कि यहाँ माइनस साइन आ जाए। तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, एल एच डी के जैसा मालूम पड़ेगा ही। अगर आपने यहाँ माइनस साइन लगाया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस हो गया तो अब ये कितना आ जाएगा, टू टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। एल एच डी हो या आर एच डी हो, दोनों को आप क्या लिखते हो, एफ डैश ऑफ एक्स ही तो लिखते हो। अच्छा अब आगे बढ़ो, इसको कितना लिखेंगे अपन, एफ ऑफ एच दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ, वन दिया हुआ है, तो वन की जगह आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ जीरो लिख सकते हो। इसको एक स्टेप जाने देता हूं मैं आगे, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई, ऐसा लिख लेंगे अपन, एच लिखा हुआ नीचे एच रहने दो, इज इक्वल टू वन। यहां तक की बात ठीक है, यहां तक की बात देखो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, है ना, यहां तक की बात ठीक होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये देखो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, ये कैसा हो गया, थ्री एफ डैश ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, ऐसी बात रहेगी। अच्छा और आगे सॉल्व करेंगे, अभी तक जो हमने सॉल्व किया वो कितना आ रहा है, थ्री टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, और रीअरेंज करके लिखा इसको, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू टाइम्स एफ डैश ऑफ जीरो, ऐसा लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे पुट करता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसे आपने इससे क्या होगा, मुझे एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू निकल के आ जाएगी, थ्री एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन प्लस टू टाइम्स एफ डैश ऑफ जीरो, एक तरफ लेके आ जाओ, एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू आ गई वन। अब मैं क्या करूंगा, यहां वैल्यू रख दूंगा, थ्री टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू, इसका मतलब क्या हो गया, थ्री टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लोगे। जैसे आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, ऐसा आएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर ले रहे हो, डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन आ गया, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन दे रखा है यहाँ, है ना, हमने कैलकुलेट कर लिया है एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। तो जैसे ही आप यहाँ जीरो पुट करोगे, एक्स को आपने जीरो पुट कर दिया, तो कॉन्स्टेंट कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। अब यहां से फाइनल मेरा एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स मेरा कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे फंक्शनल इक्वेशन के ऊपर, फिलहाल वी विल स्टॉप हियर, होपफुली फंक्शनल इक्वेशन आपको समझ में आया होगा।